हेलो, पिछले क्लास में हमने एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स के कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। हमें इसके वैल्यू को फाइंड करना है। इफ बेसिस हियर 5, इन 5 रेज टू द पावर 2 बेस क्या है? 5 है। 5 रेज टू द पावर 4 में भी बेस 5 है। एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं। एक्सपोनेंट पहले में 2 है और दूसरे में 4 है। जब एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो और बेसिस सेम हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x रेज टू द पावर m इंटू x रेज टू द पावर n। एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, बेसिस सेम है, तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, पावर गेट्स एडेड, दैट इज x रेज टू द पावर n इंटू x रेज टू द पावर n, इट बिकम्स x रेज टू द पावर m प्लस n। यहां पे आंसर क्या होगा? 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 4, विच इज 5 रेज टू द पावर 6। 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 4, बेसिस सेम थे तो पावर्स क्या हो गए? ऐड हो गए। दिस गिव्स 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 4 एंड इट इज 5 रेज टू द पावर 6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 अपॉन 12 होल रेज टू द पावर 3। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको हम इस फॉर्मूला से करेंगे कि पावर जो है होल रेज टू द पावर 3 का मतलब है कि पावर 11, जब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये पावर 3 11 पर भी आएगा और 12 पर भी आएगा। हम यहां पे इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, x अपॉन y रेज टू द पावर m, x अपॉन y होल रेज टू द पावर m। देन वी कैन राइट इट लाइक दिस, x रेज टू द पावर m अपॉन y रेज टू द पावर m। ये जो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे आएगा। तो सिमिलरली इट इज 11 रेज टू द पावर 3 अपॉन 12 रेज टू द पावर 3, इट विल बी 1 3 1। तो 11 को 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1331, एंड 12 रेज टू द पावर 3 मीन्स 12 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है एंड इट गिव्स 1728। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, 2 अपॉन 11 होल रेज टू द पावर 4, 11 अपॉन 3 होल रेज टू द पावर 2 इंटू 3 अपॉन 2 होल रेज टू द पावर 3। तो सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे, x अपॉन y होल रेज टू द पावर m, x अपॉन y होल रेज टू द पावर m, दिस इज x रेज टू द पावर m अपॉन y रेज टू द पावर m। तो तीनों ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, जैसे ही ब्रैकेट्स ओपन होंगे ये जो पावर्स हैं, ठीक, ये न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों पे आएगा। इट विल बी 2 रेज टू द पावर 4 अपॉन 11 रेज टू द पावर 4 इंटू 11 रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3। नाउ यहां पर इन सारे, अब जो हमें मिल रहा है, देर आर सम न्यूमरेटर्स एंड सम डिनोमिनेटर्स। तो उन न्यूमरेटर्स को जिनके बेस, उन न्यूमरेटर्स को जिसका बेस 2 है और उन डिनोमिनेटर को जिसका बेस 2 है, ठीक है, इसको हमें एक साथ लिख लेना है इनटू, अगेन ऐसे न्यूमरेटर देखेंगे जिसका बेस 3 है और यहां पे ये डिनोमिनेटर में भी बेस 3 है, तो इट विल बी 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2। एंड द लास्ट इज 11, 11 रेज टू द पावर 2 अपॉन 11 रेज टू द पावर 4। नाउ इसके बाद अब हम यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी का, x रेज टू द पावर m अपॉन x रेज टू द पावर n। यहां पे बेस जो है वो सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बेस क्या है? एक्स है। एक्सपोनेंट्स दोनों जगह डिफरेंट है, न्यूमरेटर में एक्स का एक्सपोनेंट एम है और डिनोमिनेटर में एन है। तो दिस इज रिटन एज x रेज टू द पावर m माइनस एन।
यहां पे ये चीज लिखने से पहले हम ये ध्यान देंगे कि जो m माइनस एन है ये हमारा निगेटिव ना बने। अगर निगेटिव बन रहा है m माइनस एन तो उसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n माइनस एन। क्या ध्यान देना है, दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू द पावर m माइनस एन और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n माइनस एन। अगर इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, इस डिनोमिनेटर को x रेज टू द पावर n को अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो इट विल बी m माइनस एन, लेकिन अगर इसको हम नीचे लेके आ रहे हैं x रेज टू द पावर m को अगर नीचे लेके आना है तो इट विल बी x रेज टू द पावर n माइनस m। अब यहां पे किस ब्रैकेट को हम किस रूप में लिखेंगे ये किस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर m माइनस एन पॉजिटिव है, माइनस करने पे अगर पॉजिटिव मिल रहा है, अगर ये पॉजिटिव है तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, और अगर माइनस करने पर निगेटिव मिल रहा है, इफ m माइनस एन जो है वो हमें निगेटिव मिला है तो हम इस फॉर्म में नहीं, हम उसे इस फॉर्म में लिखेंगे। मतलब हमारा पावर जो है आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारा जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो इस केस में अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो मैं लिखूंगा 4 माइनस 3 विच इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 3। नाउ यहां पर इस केस में अगर मैं 3 रेज टू द पावर 2 को ऊपर लेके जाता हूं तो इट विल बी 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 2 एंड अगेन इट इज पॉजिटिव। बट यहां पर अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं 11 रेज टू द पावर 4 को ऊपर तो 11 रेज टू द पावर 2 माइनस 4 विच विल बी नेगेटिव। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 11 रेज टू द पावर इसको नीचे लाके सब्ट्रैक्ट करना है 4 माइनस 2। ठीक, और 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 इज 2 रेज टू द पावर 1 और 1 हम नहीं लिखते हैं, 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 2 इज 3 रेज टू द पावर 1, बट अगेन ये 1 हम यहां लिखेंगे नहीं एंड द लास्ट इज 1 अपॉन 11 रेज टू द पावर 2। 2 रेज टू द पावर 3 सॉरी 11 रेज टू द पावर 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 इज 6 एंड 11 स्क्वायर इज 121। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 अपॉन 3 होल रेज टू द पावर 2 इंटू 2 अपॉन 5 होल रेज टू द पावर निगेटिव 3 इंटू 3 अपॉन 5 होल रेज टू द पावर 2। तो पहले तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, x अपॉन y रेज टू द पावर m, दिस विल बी x रेज टू द पावर m अपॉन y रेज टू द पावर m। ठीक, बट यहां पे एक जगह इस केस में यहां पर ये जो टर्म है 2 अपॉन 5 होल रेज टू द पावर द एक्सपोनेंट इज निगेटिव, तो सबसे पहले इस एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव में, हम निगेटिव रखकर भी इस फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करें तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ज्यादा अच्छा हो कि अगर मैं इस पावर को पहले कन्वर्ट कर लूं पॉजिटिव इंटीजर में। यहां पे इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, x अपॉन y होल रेज टू द पावर माइनस m, x अपॉन y होल रेज टू द पावर माइनस m दिस इज इक्वल टू y अपॉन x होल रेज टू द पावर m। अगर मुझे एक्सपोनेंट के साइन को चेंज करना है तो बेस का रेसिप्रोकल लिखना होगा। इफ आई वॉन्ट टू चेंज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट के साइन को चेंज करना है तो हमने बेस का क्या लिख दिया, बेस का रेसिप्रोकल लिख दिया और माइनस एम बिकम्स प्लस एम। याद रखना है क्या चीज, अगर हमें एक्सपोनेंट के साइन को चेंज करना है, दैट इज अगर मुझे माइनस एम को प्लस एम बनाना है तो जो बेस है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। सेम चीज यहां पे हम करेंगे, तो यहां तो हम आसानी से ओपन कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, यहां पर भी एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो डायरेक्टली इसका यूज करेंगे और अगर एक्सपोनेंट निगेटिव है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका यूज करेंगे और इसको यूज करने के बाद हम ये कन्वर्ट करेंगे इसको।
तो 2 अपॉन 3 होल रेस टू द पावर 2 इज 2 रेस टू द पावर 2 अपॉन 3 रेस टू द पावर 2 इनटू, यहां पावर को अगर माइनस 3 से प्लस 3 कर रहे हैं तो बेस का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, दैट इज 5 अपॉन 2 इनटू 3 रेस टू द पावर 2 अपॉन 5 रेस टू द पावर 2। नाउ इसमें भी अब ओपन करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, 2 रेस टू द पावर 2 अपॉन 3 रेस टू द पावर 2 इनटू 5 रेस टू द पावर 3 2 रेस टू द पावर 3 इनटू 3 रेस टू द पावर 2 अपॉन 5 रेस टू द पावर 2। अब इसके बाद क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे टर्म्स जिनके बेस एक जैसे हैं, सेम हैं, उनको एक साथ क्लब कर लेना है। यहां पर न्यूमरेटर में बेस 2 दिख रहा है, 2 रेस टू द पावर 2, तो बेस इज 2, और यहां डिनोमिनेटर में बेस इज 2, 2 रेस टू द पावर 3, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, 2 रेस टू द पावर 2 अपॉन 2 रेस टू द पावर 3 इनटू, नेक्स्ट इज 3, यहां बेस 3 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी एक ऐसा टर्म है जिसमें बेस 3 है, तो 3 रेस टू द पावर 2 और 3 रेस टू द पावर 2। इनटू नेक्स्ट इज 5 रेस टू द पावर 3 एंड 5 रेस टू द पावर 2 5 रेस टू द पावर 3 अपॉन 5 रेस टू द पावर 2। नाउ नेक्स्ट यहां पे क्या यूज करना है, अब कि अगर बेसेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, बट सब्ट्रैक्ट करने के लिए, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि सब्ट्रैक्शन के बाद हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं। अगर मैं 2 रेस टू द पावर 3 को ऊपर ले जाता हूं तो इट विल बिकम 2 रेस टू द पावर 2 माइनस 3 विच इज निगेटिव, तो यहां पर हम इसको नीचे लेके आएंगे, इट विल बी 2 रेस टू द पावर 3 माइनस 2, इस चीज को हम नीचे लेके आए ताकि ये एक्सपोनेंट जो है ये पॉजिटिव रहे। यहां पे सेम चीज है, 3 रेस टू द पावर 2 एंड 3 रेस टू द पावर 2, हम यहां पर भी इसको कैंसिल कर सकते थे, ठीक, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को सीख रहे हैं तो इसमें शुरुआत में सारे स्टेप्स को फॉलो करो, जितने स्टेप्स हैं उनको, कहीं भी शॉर्टकट डायरेक्ट मत यूज करो, इससे क्या होगा आपका ग्रिप बनेगा चैप्टर पे, शॉर्टकट शुरुआत में इस्तेमाल नहीं करना है। तो 3 रेस टू द, अब इसमें इस केस में या तो मैं इसको नीचे ले जाऊं 3 रेस टू द पावर 2, इसको नीचे ले जाके सब्ट्रैक्ट करें दोनों एक्सपोनेंट्स को, या फिर इसको ले जाके सब्ट्रैक्ट करें दोनों एक्सपोनेंट को, वी विल गेट 0। तो यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग 2 रेस टू 3 रेस टू द पावर 2 माइनस 2 इनटू 5 रेस टू द पावर 3 माइनस 2, इस तरीके से लिखना है कि लिखने के बाद सारे एक्सपोनेंट या तो 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर बने। यहां पे 1 अपॉन 2 इनटू 3 रेस टू द पावर 0 इनटू 5 रेस टू द पावर 1। Rather, it is not defined. 0 raised to the power 0 का value defined नहीं है। तो यहां पे इट इज नॉट जीरो, बेस इज व्हाट 3, इट इज नॉट जीरो, तो 3 रेस टू द पावर 0 इज 1, 1 अपॉन 2 इनटू 1 इनटू 5, सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 1 इनटू 1 इनटू 5 इट इज 5 डिवाइडेड बाय 2, सो द फाइनल आंसर इज 5 अपॉन 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2, then we have to find the value of a raised to the power b plus b raised to the power a. It's simple, we will simply substitute the values of a and b in this expression. इस expression में a और b के value को substitute कर देंगे. a का value 2 है, a raised to the power b means 2 raised to the power 3 plus b raised to the power a means 3 raised to the power 2. Now 2 raised to the power 3 is 8,
एंड 3 raised to the power 2 इज 9, फाइनल आंसर इज 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज सेम, ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3, और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला काम, ए और बी, जहां पर भी ए और बी दिख रहे हैं वहां पे ए की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और बी की जगह पे 3। तो 1/2 प्लस 1/3 होल रेज टू द पावर 2। नाउ अब अंदर में एलसीएम ले लें, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, सिंस ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा, प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। तो 2 और 3 प्राइम नंबर हैं तो उनका एलसीएम 6, हियर वी विल गेट 3, यहां 2 एंड रेज टू द पावर 2। सो इट इज 3 + 2 = 5/6 रेज टू द पावर 2 विच इज 25/, इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू राइट द आंसर डायरेक्टली देन एक स्टेप इसमें और जाएंगे, 5/6 होल रेज टू द पावर 2, तो ये पावर 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन 25/36, दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पर करें, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। ठीक, अभी ये सिंप्लीफाइड नहीं लिखा हुआ है बिकॉज दो ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेट ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो वहां पे इसका मतलब क्या है, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक, नाउ इसको इस तरीके से लिखना है, 3 ए रेज टू द पावर 4 बी रेज टू द पावर 3 इनटू, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया है तो इस ब्रैकेट में एक टर्म है और उस ब्रैकेट में भी एक टर्म है, तो दोनों ब्रैकेट्स के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, नाउ जिस जिस के बेसिस सेम है, जिस जिस के बेसिस सेम है उनको एक साथ क्लब कर लेना है और रियल नंबर को एक साथ लिख लेना है। 3 और 18 रियल नंबर है तो इसको एक साथ लिख लेंगे, 3 × 18 इंटू ए रेज टू द पावर 4 इंटू ए रेज टू द पावर 3 इंटू बी रेज टू द पावर 3 इंटू बी रेज टू द पावर 5। ये इसलिए कि अभी चूंकि ये स्टार्टिंग है और इसको सीख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो बेसिस सेम है उनको एक साथ लिख लेना है और रियल नंबर को एक साथ लिखना है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में 3 × 18 = 54। नाउ यहां पे बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसका यूज करेंगे, एक्स रेज टू द पावर एम इंटू एक्स रेज टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू, अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या है, एक्सपोनेंट्स गेट्स एडेड, तो यहां पे एक्सपोनेंट को ऐड कर देना है, सेम चीज ए रेज टू द पावर 4 इंटू ए रेज टू द पावर 3, इट विल बिकम ए रेज टू द पावर 4 + 3 इंटू सेम बी रेज टू द पावर 3 + 5, तो 454 ए रेज टू द पावर 7 बी रेज टू द पावर 8, दिस इज द फाइनल आंसर। Now next question is, we have to simplify this. Simplify का मतलब है इसके आंसर को छोटे रूप में हमें लिखना है। अभी यहां पे क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमें कुछ इस रूप में इसके आंसर को लिखना है कि सिंगल टर्म दिखे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जितना छोटा कर सकते हैं इसको उतना न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स को डिक्रीज कर दें बाय doing something, और डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ टर्म्स को, अभी जो 2 है अगर हो सकता है तो उसको भी डिक्रीज कर दें, और जो फाइनल आंसर है वहां पे जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का वो सिंप्लीफाइड आंसर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो करना है, अभी सीख रहे हैं तो सबसे पहले ये जो पावर्स दिख रहे हैं n+2 n+1, ठीक, यहां पे तो सिंगल है, पावर में सिर्फ n है और यहां पे पावर में सिर्फ n है, तो जहां पे पावर या एक्सपोनेंट्स जो हैं वहां पे 2 टर्म है, उन पावर्स को तोड़ना है, कैसे, इसका यूज करेंगे,
जैसे अभी तक हम ये लिखते आए एक्स रेस टू द पावर एम इंटू एक्स रेस टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एम प्लस एन। तो अगर ऐसा है तो अभी तक हम इसको ऐसा लिख रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में जब इस तरह का चीज हो तो अगर ये दिख रहा है तो इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ठीक है, एक्स रेस टू द पावर एम प्लस एन। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स रेस टू द पावर एम इंटू एक्स रेस टू द पावर एन। यहां पे ये दिख रहा है सेवन रेस टू द पावर एन प्लस टू, तो इसको मैं लिख सकता हूं सेवन रेस टू द पावर एन इंटू सेवन रेस टू द पावर टू माइनस थ्री इंटू सेवन रेस टू द पावर एन प्लस वन, सेवन रेस टू द पावर एन इंटू सेवन रेस टू द पावर वन अपॉन 20 इंटू सेवन रेस टू द पावर एन माइनस टू इंटू सेवन रेस टू द पावर एन। ठीक, नाउ न्यूमरेटर में माइनस के कारण यहां पे दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में सेवन रेस टू द पावर एन जो है वो कॉमन है, यहां पर भी ये प्रेजेंट है और सेवन रेस टू द पावर एन इसमें भी प्रेजेंट है। तो 7 रेस टू द पावर n को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहां दोनों से हम 7 रेस टू द पावर n को कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पे क्या बचेगा, इसको हमने हटा लिया तो यहां पे क्या बचा 7 रेस टू द पावर 2 माइनस, अगर यहां से हमने इसको हटा लिया तो क्या बचा 3 इंटू 7 अपॉन, यहां से 7 रेस टू द पावर n दोनों जगह से कॉमन लेंगे, यहां से भी और यहां से भी, तो 7 रेस टू द पावर n अपॉन 20, यहां से अगर मैं 7 रेस टू द पावर n को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 20, और यहां से 7 रेस टू द पावर n को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2। ठीक, नाउ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज है, इसको कैंसिल कर सकते हैं या फिर इसका यूज कर सकते हैं, एक्स रेस टू द पावर एम अपॉन एक्स रेस टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर एम माइनस एन। ठीक, तो डायरेक्टली हम इसको, अगर पावर सेम है, पावर यहां पे क्या है सेवन रेस टू द पावर एन एंड सेवन रेस टू द पावर एन, तो पावर सेम है तो वी कैन कैंसिल दिस। कब, जब ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, अगर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कैंसिल कर देते हैं, बट अगर कैंसिल तब करेंगे जब यहां पे ये ब्रैकेट के साथ ये दोनों चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो इसको कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, इवन ये दोनों सेम चीज है फिर भी ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल का मतलब हमने डिवाइड कर दिया दोनों को सेवन रेस टू द पावर एन से, या उस प्रॉपर्टी का यूज करें। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास, इस ब्रैकेट में सेवन रेस टू द पावर टू मीन्स 49 माइनस 3 इंटू 7 21 अपॉन 20 माइनस 2 इज 18, 49 माइनस 21 इज 28। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा, कैंसिल इट, 14 अपॉन 9 इज द फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक, इसमें अगेन फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 रेस टू द पावर n प्लस 1 है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, 2 रेस टू द पावर n प्लस 1 को क्या लिखेंगे, 2 रेस टू द पावर n इंटू 2 रेस टू द पावर 1, और 1 लिखते नहीं, माइनस 4 इंटू 2 रेस टू द पावर n अपॉन 16 इंटू 2 रेस टू द पावर n इंटू 2 रेस टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 रेस टू द पावर n इंटू 2 रेस टू द पावर 2। ठीक, इतना लिखने के बाद न्यूमरेटर में 2 रेस टू द पावर n दोनों जगह पर है, माइनस के पहले भी इस टर्म में भी और माइनस के बाद जो ये टर्म है यहां पर भी, तो 2 रेस टू द पावर n न्यूमरेटर में कॉमन ले लें, तो यहां से अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचा 16 इंटू
ट्वेंटी माइनस, यहां से हमने कॉमन लिया टू रेस टू द पावर एन, तो फोर अपॉन, यहां भी माइनस के पहले जो टर्म है और माइनस के बाद, इसमें भी टू रेस टू द पावर एन दोनों जगह पर है, कॉमन निकाल लो, 16 इंटू टू रेस टू द पावर टू इज 4 माइनस 2 इंटू टू रेस टू द पावर टू इज 4. नाउ अगेन 2 रेस टू द पावर n इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी 2 रेस टू द पावर n मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम चीज है, इसको कैंसिल कर सकते हैं. अब यहां क्या है, 32 माइनस 4, 32 माइनस 4 अपॉन 64 माइनस 8, 64 माइनस 8 दिस इज 28 एंड दिस इज 56. 28 से 2 टाइम्स में 1 अपॉन 2 इज द फाइनल आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 9 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n माइनस 27 रेज टू द पावर n होल अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 27. देन वी हैव टू प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1. इस क्वेश्चन में m और n का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि m और n कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हो गए, एक m है और एक n. और यहां पे इक्वेशन हमारे पास कितने हैं, सिर्फ एक इक्वेशन. अगर दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होगा. यहां पे वेरिएबल क्या है, m और n, तो यहां पे हमें इस m और n का सेपरेट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है, हमें बस m माइनस n इक्वल टू 1, ये एक रिलेशन है जिसको हमें यहां पे इस इक्वेशन के हेल्प से प्रूव करना है उस रिलेशन को. इस क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले LHS में जहां पर भी बेस है उसको ध्यान से देखना है. यहां 9 है, ऐसे बेसेस जिसका पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल है, तो ये 9 रेज टू द पावर n, यहां क्या है 3 रेज टू द पावर n, यहां 27 रेज टू द पावर n, यहां पे 3 रेज टू द पावर 3m, और तो कहीं भी वेरिएबल नहीं है, एक यहां पर है, एक यहां और एक यहां और एक यहां पर, ठीक है. इन सारे बेसेस को जिसका पावर, जिसका एक्सपोनेंट वेरिएबल है, उन सारे बेसेस को हमें प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले क्या करना है, उन सारे बेसेस को हमें प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब हम बेसेस का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो आएगा वो यहां पे लिख लेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो इट इज 3 × 3 विच इज 3 रेज टू द पावर 2. तो 9 को हमें क्या लिखना है, एक ऐसे बेस के फॉर्म में, 9 को हम एक ऐसे बेस के फॉर्म में लिख रहे हैं कि वो एक प्राइम नंबर हो, ठीक. 9 को हम एक ऐसे बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि एक प्राइम नंबर होना चाहिए. 9 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2 एंड हियर बेस 3 इज अ प्राइम नंबर. सिमिलरली 27 को भी हम क्या लिख सकते हैं, अगर याद है तो याद होना भी चाहिए, 27 इज 3 रेज टू द पावर 3, ठीक. बाकी तो यहां पे 3 रेज टू द पावर n, तो ये 3 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, यहां पे भी 3 रेज टू द पावर 3m, 3 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर. यहां 9 और 27 प्राइम नंबर नहीं था तो उसको पहले हमने 9 और 27 के को एक ऐसे फॉर्म में लिखा जहां पर बेस हमारा क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक. तो 9 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू द पावर 2 एंड इसका पावर n है, ब्रैकेट यूज करना है. 9 को हमने लिखा 3 रेज टू द पावर 2 और ब्रैकेट यूज करके ये जो पावर है वो इंटू 3 रेज टू द पावर 2 कैन बी रिटन एज 9, इसको हम 9 लिख सकते हैं, इंटू 3 रेज टू द पावर n माइनस 27 कैन बी रिटन एज
थ्री रेज टू द पावर थ्री और ब्रैकेट यूज करके n अपॉन थ्री रेज टू द पावर थ्री एम एन टू टू रेज टू सॉरी दिस इंप्लाइज दैट टू रेज टू द पावर थ्री इज एट एंड दिस इज इक्वल टू वन अपॉन 27 इज थ्री रेज टू द पावर थ्री. ठीक, दिस इंप्लाइज दैट थ्री रेज टू द पावर टू. अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये पावर और ये पावर दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल गिव थ्री रेज टू द पावर टू एन इंटू नाइन इंटू थ्री रेज टू द पावर एन माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये दोनों पावर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, अपॉन थ्री रेज टू द पावर थ्री एम इंटू एट, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री रेज टू द पावर थ्री. इतना लिखने के बाद अब यहां पर इस टर्म में माइनस के पहले जो टर्म है इसमें वेरिएबल पावर यहां है और वेरिएबल पावर यहां है और बेसिस दोनों जगह थ्री है तो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएगा. इसको हम क्या लिखेंगे, थ्री रेज टू द पावर टू एन प्लस एन इंटू नाइन माइनस थ्री रेज टू द पावर 3n upon 3 raised to the power 3m into 8 is equal to 1 upon 3 raised to the power 3. ठीक, it will become 3 raised to the power 3n into 9 minus 3 raised to the power 3n upon 3 raised to the power 3m into 8. This is equal to 1 upon 3 raised to the power 3. ठीक, सॉरी इट इज माइनस. नाउ ये माइनस साइन के कारण यहां पे दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, दोनों टर्म में थ्री रेज टू द पावर थ्री एन है यहां पर भी और यहां पर भी, तो कॉमन ले लेते हैं थ्री रेज टू द पावर थ्री एन. तो यहां पे क्या बचेगा, अगर मैंने इसको कॉमन ले लिया तो नाइन माइनस, अगर यहां कॉमन ले लिए ठीक तो वन बचेगा, अपॉन थ्री रेज टू द पावर थ्री एम इंटू एट, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री रेज टू द पावर थ्री. नाइन माइनस वन इज एट और मल्टीप्लीकेशन में है और ये भी एट है, तो थ्री रेज टू द पावर थ्री एन अपॉन थ्री रेज टू द पावर थ्री एम इंटू एट इंटू एट, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री रेज टू द पावर थ्री. ठीक, यहां पे नाउ 8 8 विल गेट कैंसिल्ड, तो बचा क्या हमारे पास, 3 रेज टू द पावर 3n अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m, 3 रेज टू द पावर 3n अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m, दिस इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर जो RHS में 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3 है तो अगर मैं इसको ऊपर 3 रेज टू द पावर 3 इज इन डिनोमिनेटर, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो जो पावर है उसके साइन को चेंज कर देना है, इट विल बिकम थ्री रेज टू द पावर माइनस थ्री, और यहां बेसिस सेम है थ्री रेज टू द पावर थ्री एन और यहां भी थ्री रेज टू द पावर थ्री एम, तो ये बेस सेम है और डिवीजन में है, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो थ्री रेज टू द पावर थ्री एन और ये ऊपर जा रहा है तो माइनस थ्री एन, दिस इज इक्वल टू थ्री रेज टू द पावर माइनस थ्री. नाउ वी कैन इक्वेट द एक्सपोनेंट्स बोथ साइड, एक्सपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं, एक्सपोनेंट को इक्वेट तब कर सकते हैं जब LHS और LHS और RHS दोनों जगह पे बेस सेम है. तो यहां पे बेस क्या है थ्री और यहां पर भी बेस क्या है थ्री, अगर बेसेज सेम है तो एक्सपोनेंट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, मतलब इक्वल लिख सकते हैं, बेसिस को लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर बेस सेम नहीं है तो एक्सपोनेंट को इक्वेट नहीं कर सकते हैं. तो नाउ
इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स वी गेट 3 रेज टू द पावर n माइनस m, सॉरी 3 रेज टू द पावर n माइनस 3 रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहां से 3 कॉमन ले लें या माइनस 3 कॉमन ले लें, अगर तो माइनस 3 कॉमन ले रहे हैं, यहां पे 3n में से मैं माइनस 3 कॉमन ले रहा हूं, तो n तो बचेगा साथ में, सिंस यहां पे जो साइन है वो प्लस था और मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे एक माइनस साइन भी आएगा माइनस n, और माइनस 3m में से अगर मैंने माइनस 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा प्लस m, दिस इज इक्वल टू माइनस 3। अब माइनस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं m माइनस n, दिस इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3, m माइनस n माइनस 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, अगर RHS में ले जाएंगे तो वो डिवीजन में होगा, माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाय दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1, हेंस ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1, ठीक। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली LHS से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो काम करने के लिए चीजें हैं वो यहां पे ज्यादा है, एंड LHS इज दिस, सो वी विल स्टार्ट विथ LHS। LHS इज इक्वल टू x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b, 1 अपॉन ए बी, ये हमारा LHS है। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करने पर क्या होगा, ये जो एक्सपोनेंट है इस पूरे का, ये एक्सपोनेंट इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज x रेज टू द पावर a इंटू 1 अपॉन ए बी अपॉन x रेज टू द पावर b इंटू 1 अपॉन ए बी, सेम चीज यहां पे x रेज टू द पावर b इंटू 1 अपॉन बी सी एंड x रेज टू द पावर c इंटू 1 अपॉन बी सी इंटू x रेज टू द पावर c इंटू 1 अपॉन ए सी एंड x रेज टू द पावर a इंटू 1 अपॉन ए सी। अब कुछ चीजें यहां पे कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहां न्यूमरेटर में ये जो x है इसका एक्सपोनेंट क्या है a इंटू 1 अपॉन ए बी, ये a और ये a कैंसिल होगा, ये b और ये b, ये c और ये c, सेम चीज b एंड b, c एंड a, ठीक है। ये क्यों कैंसिल हो रहा है, बिकॉज इट इज लाइक दिस a इंटू 1 अपॉन ए बी, ये इस तरीके से लिखा हुआ है a इंटू 1 अपॉन ए बी, तो ये a a कैंसिल होगा, तो हर एक जो चीज है तो कैंसिल हुआ है एक्सपोनेंट्स में, जहां जहां हमने कैंसिल किया है b b c c या फिर b c एंड a, ये सारे इस तरीके से लिखे हुए हैं, इसलिए हमने इसको कैंसिल किया, ठीक। तो कैंसिल करने के बाद क्या बचा, यहां पे x रेज टू द पावर 1 अपॉन b अपॉन x रेज टू द पावर 1 अपॉन a इंटू x raised to the power 1 upon c upon x raised to the power 1 upon b and यहां पर x raised to the power 1 upon a on x raised to the power 1 upon c। now ये चीज जो है x raised to the power 1 upon b, यही चीज यहां पर भी है x raised to the power 1 upon b, तो ये क्या होगा, ये दोनों cancel हो जाएंगे, same x raised to the power 1 upon c एंड x रेज टू द पावर 1 अपॉन c, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक। और ये x रेज टू द पावर 1 अपॉन a एंड x रेज टू द पावर 1 अपॉन a, तो जब सब कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारा,
फाइनल चीज वन विच इज इक्वल टू आर एच एस हेंस रूट. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव दिस दैट दिस एल एच एस इज इक्वल टू वन. तो फिर से हम एल एच एस से स्टार्ट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि ये वन आएगा कि नहीं. एल एच एस इज एक्स रेस टू द पावर ए अपॉन एक्स रेस टू द पावर बी होल रेस टू द पावर ए प्लस बी, एक्स रेस टू द पावर बी अपॉन एक्स रेस टू द पावर सी होल रेस टू द पावर बी प्लस सी एंड ठीक. यहां पे सबसे पहले यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्स रेस टू द पावर क्या है ए और यहां पे एक्स रेस टू द पावर क्या है बी. यहां पे इस होल का पावर क्या है ए प्लस बी. तो इसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि अगर बेस सेम होता है और डिवीजन में है दैट इज इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेस टू द पावर एम माइनस एन. ठीक है, तो वी कैन राइट लाइक दिस एक्स रेस टू द पावर ए अपॉन एक्स रेस टू द पावर बी को क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी और इस पूरे का पावर क्या है ए प्लस बी इंटू एक्स रेस टू द पावर बी माइनस सी होल रेस टू द पावर बी प्लस सी इंटू एक्स रेस टू द पावर सी माइनस ए होल रेस टू द पावर सी प्लस ए. ठीक, नाउ नेक्स्ट अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स का पावर ए माइनस बी है और इस होल का पावर ए प्लस बी है तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे. अब हम किसका यूज कर रहे हैं इसका एक्स रेस टू द पावर एम होल रेस टू द पावर एन. तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो एम प्लस एन अब हम इसका यूज करेंगे एक्स रेस टू द पावर एम होल रेस टू द पावर एन दिस इज एक्स रेस टू द पावर एम एन. जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये दोनों पावर या एक्सपोनेंट्स में जो है एक्स का एक्सपोनेंट एम और इस होल का एक्सपोनेंट एन ब्रैकेट को ओपन करते ही ये दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहां पे क्या आएगा एक्स रेस टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक्स रेस टू द पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी एंड एक्स रेस टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए. नाउ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, आइडेंटिटी में ये हमने पढ़ा है. ठीक, तो दिस इज एक्स रेस टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिस विल बिकम एक्स रेस टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. नाउ नाउ अब यहां पे बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे ऐड हो जाएगा. ये एक्स रेस टू द पावर एम इंटू एक्स रेस टू द पावर एन बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर जो है वो ऐड हो जाता है. उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो यहां पे एक्स रेस टू द पावर तीनों बेसिस सेम है तो इनके पावर्स क्या होंगे दे विल एड अप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑल्सो जीरो एंड माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑल्सो जीरो एक्स रेस टू द पावर जीरो. इफ एक्स इज यहां पे क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है
लेकिन क्वेश्चन में हम ये मान के चल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट जीरो, अगर एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है देन एक्स रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस रूट। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि हम हर एक क्वेश्चन को, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने क्या किया था, पहले हम पावर को अंदर लाए थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने उस मेथड से नहीं बनाया, यहां पे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर की चीज को सिंप्लीफाई किया, पहले हमने ब्रैकेट के अंदर काम किया और ब्रैकेट के अंदर काम करने के बाद हमने पावर्स को, एक्सपोनेंट को, ये जो बाहर a प्लस बी था या b प्लस सी या c प्लस ए, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किए और तब इसको अंदर लेके आए, तब ये मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किसी और मेथड से किया था, इसमें किसी और मेथड से, तो हर एक क्वेश्चन में आपको ये सोचना होगा कि किस मेथड से हम उस क्वेश्चन को बनाए, बेस एंड एक्सपोनेंट या ये जो एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनको बहुत सारे मेथड से बनाए जा सकते हैं। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग अ सिंगल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी बनाया जा सकता है। तो आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो कोशिश ये कीजिए कि पहली बार आपने जिस मेथड से बनाया है तो रिवीजन के समय, अगर आप रिवीजन करते हैं जो करना भी चाहिए, तो रिवीजन के समय कोशिश ये रहना चाहिए कि हम किसी और तरीके से उसको सॉल्व करें। और किसी भी चैप्टर को सीख रहे हो तो एक तरह के क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बुक में तो उसको स्किप कर दिया, मान लो 10 एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उसको स्किप कर दिया, कभी भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास बुक है और उस बुक में एक तरह के 10 20 कितने भी क्वेश्चन हो तो स्टार्टिंग में आप उन सारे क्वेश्चन को करिए, बिकॉज यू आर इन अ लर्निंग फेज, अभी आप सीख रहे हैं और सीखने के समय हमें चीजों को स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू वन। ठीक, तो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस नाउ एक्स रेज टू द पावर बी माइनस ए, एक्स रेज टू द पावर एम इंटू एक्स रेज टू द पावर एन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन। तो अगर हम कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे सिर्फ यूज नहीं करते, कभी कभी क्वेश्चंस में हम इसको उल्टा भी यूज करते हैं, एक्स रेज टू द पावर एम अपॉन एक्स रेज टू द पावर एन दिस इज इक्वल टू एम माइनस एन। ठीक, तो यहां पे एक्स रेज टू द पावर बी माइनस ए अगर कंपेयर करें तो कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। ठीक, और इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं उल्टा। ठीक, तो एक्स रेज टू द पावर बी माइनस ए इट कैन बी रिटेन एज एक्स रेज टू द पावर बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए, ठीक, प्लस एक्स रेज टू द पावर सी माइनस ए इज एक्स रेज टू द पावर सी, जो एक्सपोनेंट यहां पे c के बाद माइनस ए है, यहां माइनस ए था तो जो माइनस में है वो डिनोमिनेटर में x का पावर होगा, माइनस के बाद जो है वो डिनोमिनेटर में x के पावर में होगा। जैसे यहां देखो x का पावर m माइनस n, माइनस में क्या है n है, तो डिनोमिनेटर में x का पावर क्या है n। ठीक, तो जो चीज माइनस में है x का पावर डिनोमिनेटर में वही रहेगा, प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन माइनस में बी है प्लस एक्स रेज टू द पावर सी अपॉन बी, प्लस वन प्लस एक्स रेज टू द पावर बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर सी एंड द लास्ट इज दिस। ठीक, अब डिनोमिनेटर्स में हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेना है यहां पर। ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें हैं। ठीक, तो दैट इज वाई सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें, वन अपॉन
एलसीएम क्या होगा? तो वेरिएबल्स का एलसीएम क्या होता है? उनका प्रोडक्ट। अगर डिफरेंट वेरिएबल है तो उनका प्रोडक्ट, अगर सेम वेरिएबल है तो वही एलसीएम। तो यहां पे क्या है, वन, यहां पे एक्स रेस टू द पावर ए, एक्स रेस टू द पावर ए, तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स रेस टू द पावर ए। नाउ वन की जगह पे क्या लिखेंगे, इस वन से डिवाइड करना है, तो इस वन के नीचे वन है, इस वन से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक। तो वो क्या होगा, अगर वन से एक्स रेस टू द पावर ए को या किसी चीज को भी हम वन से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर वही आता है। तो आंसर क्या होगा, वन से अगर मैं एक्स रेस टू द पावर ए को डिवाइड करूंगा, हमें यहां पे क्या लिखना है, यहां पे हम लिखते हैं इस वन से इसको डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा उसको हम इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही आंसर मुझे यहां पे लिखना है। तो इसका कितना आंसर होगा, एक्स रेस टू द पावर ए डिवाइडेड बाई वन इज एक्स रेस टू द पावर ए, यहां से एक्स रेस टू द पावर ए मिला, और फिर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स रेस टू द पावर ए। सिमिलरली यहां पे सेकेंड टर्म प्लस के बाद एक्स रेस टू द पावर बी की जगह पे क्या, इस एक्स रेस टू द पावर ए को इससे डिवाइड करो, वन आएगा, और जो वन आया उसको इससे मल्टीप्लाई करें, एक्स रेस टू द पावर बी, सिमिलरली एक्स रेस टू द पावर सी, प्लस वन अपॉन एलसीएम इज एक्स रेस टू द पावर बी, एक्स रेस टू द पावर बी प्लस एक्स रेस टू द पावर ए प्लस एक्स रेस टू द पावर सी, एंड लास्ट इज वन अपॉन वन, सॉरी, वन अपॉन एलसीएम इज एक्स रेस टू द पावर सी, एक्स रेस टू द पावर सी प्लस एक्स रेस टू द पावर बी प्लस एक्स रेस टू द पावर ए, ठीक। तो अब डिनोमिनेटर्स हमारे कुछ इस तरीके से हैं, ठीक ना। ये जो एलसीएम आया है तीन जगह पर, ये एलसीएम अगर ये ध्यान से देखें यहां पे ये कैसे लिखा हुआ है, तो यहां पे इसको ऐसे देखो कि ये लिखा हुआ है एम अपॉन एन अपॉन पी। डिनोमिनेटर में दो चीजें हैं, तो ये एन अपॉन पी जो है ये पी कहां जाएगा, ये पी ऊपर, क्यों, एम अपॉन एन अपॉन पी कैन बी सीन लाइक दिस कि एम एम को हम डिवाइड कर रहे हैं एन बाई पी से। इसका मतलब यही हुआ, एम को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, एन बाई पी से, और जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल पी अपॉन एन, तो ये क्या मिला मुझे, एम पी बाई एन। तो ध्यान से देखो कि यहां जो एन बाई पी था इसका पी कहां गया, न्यूमरेटर में एम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहां से यहां देखो एम डिवाइडेड बाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एम डिवाइडेड बाई एन बाई पी, तो ये जो यहां पर पी है ये कहां गया, न्यूमरेटर में एम के पास, एम से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, एम की जगह पे वन है, एन की जगह पे ये एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी, और पी की जगह पे एक्स का पावर ए है, तो ये कहां जाएगा, ये ऊपर वन से मल्टीप्लाई होगा जाकर, ठीक है। इसको हम लिखेंगे एक्स रेस टू द पावर ए अपॉन, ये जो चीज है ये एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी, प्लस ये एक्स का पावर बी कहाँ जाएगा, ऊपर वन से मल्टीप्लाई होगा, एक्स का पावर बी अपॉन, इस चीज को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरीके से भी लिख सकता हूं, एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी, ठीक है। अगर मैंने इसको रीअरेंज कर दिया तो ये सारी चीजें ऐड ऐड हो रही थी, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे अगर 2 + 3 + 5 है तो इसको मैं 2 + 5 + 3 भी लिख सकता हूं, या फिर 3 + 5 + 2 भी लिख सकता हूं, ये सारी चीजें सेम। अगर एडिशन हो रहा है और उसको मैं रीअरेंज कर दूं, ठीक है, तो आंसर चेंज नहीं करता है। तो सेम चीज यहां पर, हमने अगर इसको इस तरीके से लिख दिया तो आंसर चेंज नहीं करेगा, प्लस ये एक्स का पावर सी, फिर अगेन ये ऊपर जाएगा, और फिर से ये जो डिनोमिनेटर, ये जो चीज है, इसको मैं रीअरेंज करके ये लिख लूं,
ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, अब जो हमारे पास तीन टर्म आए हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा, तीनों टर्म जो हैं इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो मुझे ऐड करना है तो एलसीएम लेना होगा, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या होगा, वही एक्स रेस टू द पावर ए प्लस एक्स रेस टू द पावर बी प्लस एक्स रेस टू द पावर सी। अब इस एलसीएम को अगर इससे डिवाइड करें तो आंसर वन आया, और उस वन को इससे मल्टीप्लाई करना है तो वन इंटू एक्स प्लस एक्स रेस टू द पावर ए इज एक्स रेस टू द पावर ए प्लस, फिर उस एलसीएम को इससे डिवाइड करो तो वन, और वन को फिर इससे मल्टीप्लाई करके एक्स रेस टू द पावर बी ही मिलेगा, फिर इससे डिवाइड करें तो वन आएगा, एक्स रेस टू द पावर सी इंटू वन इज एक्स रेस टू द पावर सी। तो यहां पर हमारा जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, सॉरी, यहां पर हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ये दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा और हमें आंसर क्या मिला, वन, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। बेस एंड एक्सपोनेंट पे आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए, इस पे और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।